कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं। KGF 2 RRR पुष्पा की सफलता और सलमान, ऋतिक और SRK के लिए बड़ी चुनौती। KGF 2 ने वीकेंड के लिए पूरी तरह से बुक किए गए अधिकांश सिनेमाघरों के साथ भारी प्रतिक्रिया के साथ शुरुआत की है। RRR के पूरे भारत में भगदड़ के बाद अब बॉक्स ऑफिस पर उसी उपलब्धि को दोहराने के लिए एक और दक्षिण भारतीय फिल्म की बारी है, और यहाँ तक कि राजा मौली द्वारा निर्देशित फिल्म के आंकड़े भी बढ़ा सकते हैं। पहले ये अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा थी, जिसने लोगों को अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर सूर्यवंशी को भुला दिया। महामारी के बाद रिलीज हुई हिंदी फिल्मों में से केवल द कश्मीर फाइल्स ही किले पर कब्जा करने में कामयाब रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि विषय काफी संवेदनशील था और नियमित एक्शन थ्रिलर या रोम कॉम ड्रामा से अलग था। हालांकि अक्षय कुमार की बच्चन पांडे या जॉन इब्राहिम के अटैक सहित बॉलीवुड की कई भी ऐसी फिल्म सुपर सफलता के करीब नहीं आ पाई है, जिसे RRR और अब KGF 2 हासिल करने की उम्मीद है। और ये शाहरुख खान की पठान, ऋतिक रोशन की फाइटर और सलमान खान की टाइगर 3 सहित आने वाली सभी बड़ी फिल्मों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इन फिल्मों के लिए प्रचार बढ़ा है क्योंकि शाहरुख लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं, तो वहीं दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन को पहली बार एक दूसरे के साथ देखा जाएगा। सलमान की टाइगर फ्रेंचाइजी पहले से ही एक बड़ी हिट है, लेकिन फिर भी इसकी तुलना RRR और KGF 2 के लिए पूरे भारत में प्रशंसकों के उत्साह और प्रत्याशा के स्तर से नहीं की जा सकती है। और ये पुष्पा द राइज RRR KGF 2 के रूप में आने वाले बॉलीवुड के दिग्गजों के लिए एक चेतावनी संकेत हो सकता। यहाँ तक कि प्रभास के राधे श्याम ने भी दिखाया कि जब कहानी, संगीत, तकनीक और अभिनय की बात आती है तो दक्षिणी फिल्म उद्योग सही फॉर्मूले को अपनाता है, जो हजारों दर्शकों को सिनेमाघरों की ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होता है। SRK, सलमान और ऋतिक की आने वाली सभी 3 बॉलीवुड बड़ी एक्शन फिल्में हैं, और अब उन्हें जीवन से बड़े दृश्य प्रभावों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जो हाल ही में दक्षिणी ब्लॉकबस्टर में इतनी दृढ़ता से अंतर्निहित है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।